अत्यधिक दिमाग लगाने वाली बीमारी है ना, ये ही कारण है हमारी जिंदगी की आधी समस्याओं का। पर ये तो आपको पहले से पता है, पर नई बात ये है कि ये जो अत्यधिक दिमाग लगाने वाली बीमारी है, इसके 5 इलाज हैं। इस सीरीज में पहले वीडियो में मैं एक इलाज बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर वाले इस कार्ड पे क्लिक करिए और जानिए कि ओवरथिंकिंग से लड़ने का एक रास्ता क्या है। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो हो सकता है कि आपको वो रास्ता बहुत आसान लगा हो या फिर बहुत मुश्किल लगा हो। पर जैसा भी लगा हो, ये याद रखिए कि 4 रास्ते और हैं। आपको बस कोशिश करनी है, उनमें से कोई एक रास्ता अपनाना है और कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं आज आपको बताऊंगी दूसरा तरीका। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था किस तरह ये सोचने वाली प्रॉब्लम एक तरीके से हमारा गिफ्ट भी है। दुनिया में इतने जीव जंतुओं में एक इंसान ही तो है जो अपना दिमाग चला सकता है, और इस दिमाग को ज्यादा चलाने से हमें हो जाती है ये बीमारी ओवरथिंकिंग वाली। तो एक तरीके से हमें जो गिफ्ट मिला है वो ही हमारी प्रॉब्लम है। अब तुम बोलोगे, अरे यार ये तो बहुत बुरी बात है। पर ये बहुत बुरी बात इसलिए है क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस गिफ्ट का क्या करना है। हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान हैं, पर अगर हमें पता हो कि किस चीज को कैसे यूज करना है तो फिर उसके क्या नुकसान है। ओए ओए ओए, वीडियो अटका नहीं है, रुको रुको, चल रहा है। ये बफर वाला साइन इधर डाला गया है, तुम फंस गए ना, फंस गए तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वैसे यहाँ पे बफरिंग वाला साइन डालने का एक पॉइंट था, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे कंप्यूटर में जब हम कोई हैवी प्रोग्राम या बड़ी सी हैवी फाइल लोड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बफर करने लग जाता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी जब कोई हैवी फाइल या कोई बड़ी मुश्किल में फंसा होता है तो हमारे दिमाग को भी चीज़ें प्रोसेस करने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो भी बफरिंग करने लगता है। अब इस बफरिंग के टाइम हम क्या कर सकते हैं? एक चीज तो ये कि हम शांति से हमारे दिमाग को वक्त दें और सब्र रखें, पर ये तो कोई करता नहीं है। जैसा कि हम अपने मोबाइल पे अगर कुछ अटक जाता है तो फटाक से दूसरे ऐप पे चले जाते हैं, हम अपने दिमाग में भी यही करते हैं। अगर एक सिचुएशन नहीं संभल रही तो हम फटाक से बड़ी सारी ऐप्स खोल लेते हैं उस सिचुएशन को संभालने के लिए। ये नहीं हुआ तो वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतनी ऐप्स खोलने की जरूरत थी नहीं, पर अब कर लिया है, मतलब अब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो अब आगे सोल्यूशन की बात करनी है। देखो, वो जो एक रास्ता था कि हम शांति से बैठे और अपने ब्रेन को काम करने का समय दे, लोड होने का टाइम दे, वो रास्ता तो हम कब का दरिया में फेंका है। तो अब दूसरा रास्ता जो बचा है वो वही रास्ता है जो हम हमारे फोन के साथ करते हैं। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते और तुम्हारा फोन अटक गया है तो कुछ ऐसा करो कि फोन की स्पीड बढ़ जाए। दिमाग को ना कुछ चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, पर वरी नॉट, वो चीजें तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे कैसे पता वो तुम्हें पसंद है? क्योंकि म्यूजिक सबको पसंद होता है, गाना बजाना। हमारे लिए गाने बड़ी मस्त चीज है, पर कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग के लिए संगीत क्या है? जब आपके दिमाग में संगीत घुसता है तो आपके दिमाग में एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस जो आपके दिमाग में होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन का। जब एकदम से आपके दिमाग में गाना जाता है तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया। फिर दूसरी चीज होती है, अगर हम वो गाना चलाना बंद नहीं करते तो वो बार बार हमारे कान में जाते जाते हमारे दिमाग का ध्यान खींच लेता है और हमारा दिमाग अब उस गाने पे फोकस करने लग जाता है। और जब हमारा दिमाग ऐसा करता है फिर हमारा दिमाग उस गाने के साथ तालमेल बनाने लगता है, और ये तालमेल समझना जरूरी है। हमारे कानों और हमारे दिलों के लिए संगीत धुन है, संगीत शब्द है, पर हमारे दिमाग के लिए संगीत लहर है, एनर्जी वेव्स है, और हर वेव की ऑल्टीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब अलग अलग होता है। इसीलिए हर संगीत का हमारे दिमाग पे अलग अलग असर होता है। कुछ म्यूजिक सुनने के बाद हो सकता है कि हमारी काम करने की बड़ी इच्छा हो, और कुछ म्यूजिक सुनने के बाद सोने का मन करता है, और कुछ म्यूजिक सुनने के बाद दुनिया बदल जाती है, और कुछ म्यूजिक सुनने के बाद हमारे दिमाग की मशीन के स्क्रू फिर से टाइट हो जाते हैं। मतलब ये जो लास्ट कैटेगरी वाला म्यूजिक है, इसके बारे में मैंने CBT फॉर एंग्जाइटी वाले वीडियो में भी बात की है,
अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंग्जाइटी को समझना चाहते हैं या फिर एंग्जाइटी के उपाय चाहते हैं तब भी इस लिंक पे क्लिक करिएगा। पर इस वीडियो में हम ओवरथिंकिंग से लड़ने की बात कर रहे हैं, और अगर ओवरथिंकिंग से लड़ना है तो ये जो रोमांटिक अरिजीत सिंह टाइप के सॉन्ग हम सुनते हैं उनसे उतनी मदद नहीं मिलेगी, और ना ही किसी धूम मचाले टाइप गाने से मदद मिलेगी, तो किसी शांत सॉफ्ट मेलो टाइप के साउंड ट्रैक से। अगर आपने कभी मेडिटेशन ट्रैक सर्च किया है तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, या फिर अगर आपने किसी नेचर ट्रैक को सर्च किया है, झरनों की आवाज़, बारिश की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, और हमारा दिमाग जितनी नेचुरल साउंड सुनता है उतना ही हेल्दी महसूस करता है। इसीलिए आप एक चीज नोट करेंगे कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है और फालतू के ख्याल कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल को इस तरह की वाइब्रेशन से एनर्जी मिलती है, और जब उन्हें चुस्ती मिलती है तो वो ज्यादा जल्दी काम करते हैं, और जब हमारा दिमाग ज्यादा जल्दी काम करता है तो क्या होता है, ये तब हम कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी कर पाते हैं और हमें बेहतर महसूस होता है। साफ जाहिर है कि संगीत की दुनिया हमारे दिमाग की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम पूरे दिन संगीत सुनते रहें? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि दिन में 12 मिनट से ज्यादा सुना हुआ म्यूजिक किसी काम का नहीं है। और अब रहा दूसरा सवाल, किस तरह का संगीत सुने? तो बहुत तरह का म्यूजिक है, अल्फा बीट्स, गामा बीट्स, बाइनॉरल बीट्स। अगर आप चाहें तो मैं अल्फा गामा इन सब के बारे में भी एक वीडियो बना सकती हूँ। सभी बीट्स हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, पर इन सब का अलग अलग काम है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस बारे में भी वीडियो बनाऊं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। पर हाल फिलहाल ये जान लीजिए कि नेचुरल साउंड्स आपके माइंड की ओवर थिंकिंग को कम करने में एकदम परफेक्ट है। तो फिर तो आप ये कहेंगे कि म्यूजिक तो मतलब एकदम तोड़ चीज है, म्यूजिक से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। नहीं, मतलब एक चीज है जो शायद आपको पसंद नहीं आए। दुनिया में ऐसी शायद ही कोई चीज है जो तुम्हारे दिमाग को मैथ्स जितना चैलेंज करती है, क्योंकि मैथ्स तुम्हारे दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है। तुम्हारे दिमाग का 98% एरिया यूज करती है गणित। मैथ्स बड़ी पावरफुल चीज है यार, क्योंकि दुनिया में तुम्हें जो कुछ भी कहना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम सिर्फ दो डिजिट्स में समराइज कर सकते हैं, 1 और 0, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। दूर अंतरिक्ष के दूर सैटेलाइट्स के सिग्नल भी तुम्हें गणित के थ्रू ही मिल रहे हैं, और यहां तक कि म्यूजिक, जिसको अब तुम शायद ज्यादा पसंद करोगे क्योंकि वो तुम्हें ओवरथिंकिंग से लड़ने में मदद करेगा, वो म्यूजिक भी मैथमेटिकल है। मेरी बात मत मानो, चाहो तो किसी म्यूजिशियन से पूछ लो। हमें ये जो सोचने का उपहार दिया गया है वो इसीलिए तो दिया गया है ताकि हम समस्याओं का हल कर सके, और ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में गणित से ज्यादा समस्याएं तो कहीं है ही नहीं। मतलब उस मामले में तो मैथ सुपर सेलिब्रिटी है। तो इसलिए दिन में 20 मिनट मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना, मैथ्स क्वेश्चंस का हल करना बहुत जरूरी है तुम्हारे दिमाग की सेहत के लिए। तो यानी कि ओवरथिंकिंग से लड़ने में दो हथियार तुम्हारे काम आएंगे, मैथमेटिक्स और म्यूजिक। और अगर तुम मैथमेटिक्स और म्यूजिक दोनों करना चाहते हो तो तुम्हें दिन में 30 मिनट कम से कम निकालने ही पड़ेंगे। और ये कब करना है, उसका सही समय वो है जब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, और जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, तब भी हल्की फुल्की कसरत तो दिमाग की भी करनी चाहिए, नहीं? और मजे की बात तो ये भी है कि हुए एक रिसर्च में पता चला कि जितनी भी कलाकार हैं, जिनमें पेंटर आ जाते हैं, एक्टर आ जाते हैं, राइटर आ जाते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा खुश होते हैं म्यूजिशियंस। उनमें वरी लेवल्स कम पाए गए हैं और हैप्पीनेस लेवल्स ज्यादा पाए गए हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं उनमें फिकर करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। तो मतलब भले ही तुम मैथ्स के लिए दिन में टाइम निकालो और म्यूजिक रात में सुनो, तुम्हारे ऊपर है, पर ये रोज करना है, और ये अपने सभी दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर करो, क्योंकि
ज्यादा सोचने वाली बीमारी ना आजकल बहुत फैल रही है, तो इसको खत्म करते हैं। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियोस बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो जरा ये साइड वाले वीडियोस जो मैंने मेरी दिल से बनाए हैं ना, दिल दिल देखा, उनको भी देख लो थोड़ा।